जी आयुर्वेदा चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको पपीते के गुणों के बारे में जानकारी दे रहे हैं। पपीते में फाइबर की प्रचुर मात्रा होती है, साथ ही ये विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट से भी भरपूर होता है। फलों में पपीते को गुणों की खान कहा जाता है। डाइट में पपीता शामिल करने से आपको कई जबरदस्त फायदे होते हैं। आइए जानते हैं कि पपीते को डाइट में शामिल करने से आपको क्या-क्या फायदे होते हैं। प्राचीन काल से ही घरेलू उपचार के तौर पर भी पपीते का इस्तेमाल होता आ रहा है। पपीते में विटामिन ए पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है, जिसके सेवन से आंखों की रोशनी बढ़ जाती है। पपीते के रस में पपाइन नामक तत्व पाया जाता है, जो भोजन को पचाने में मददगार होता है। जिन लोगों को कब्ज की शिकायत हमेशा बनी रहती है, उन्हें पपीते का सेवन नियमित रूप से करना चाहिए। पपीते में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट शरीर में कोलेस्ट्रॉल नहीं जमने देता, जिससे हृदय संबंधित रोगों का खतरा कम हो जाता है। पपीता खाने से हड्डियां मजबूत होती हैं और ये जोड़ों के दर्द में लाभदायक होता है। पपीता में मौजूद फाइबर्स वजन घटाने में मददगार होते हैं। पपीता कई फंगल इन्फेक्शन से लड़ने में भी मददगार माना जाता है और आंतों के कीड़ों को मारने के लिए जाना जाता है। इसलिए पपीते का जरूर सेवन करना चाहिए। पपीते का सेवन गठिया की बीमारी में भी फायदेमंद है। पपीते में एंटी इंफ्लेमेंट एंजाइम पाए जाते हैं, जो गठिया के कारण होने वाले दर्द को दूर करने में मदद करते हैं। पपीता पोटेशियम का एक अच्छा स्रोत है, जो सोडियम के प्रभावों को मुकाबला करता है और रक्तचाप के स्तर को सामान्य बनाए रखने में मदद करता है। पपीते में मौजूद बीटा कैरोटीन के कारण पपीते से अस्थमा में भी राहत मिलती है। पपीते में पेपिन एंजाइम होता है, जो कि एक नेचुरल पेन किलर है। इसके अलावा शरीर में सूजन को कम करने में मदद करता है। पपीते में विटामिन सी होने की वजह है। इसमें बीटा कैरोटीन और लाइकोपिन जैसे कैरोटीनॉइड शामिल है, जो त्वचा में चमक लाने का काम करते हैं। पपीते में आइसीथियोनेट नामक एक तत्व पाया जाता है, जो कैंसर के इलाज और बचाव में बहुत कारगर है। गर्मियों के मौसम में बहुत लोगों के शरीर में जलन की शिकायत रहती है। अगर आपको ये समस्या है, तो पपीते का सेवन आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। पपीते के सेवन से जलन की समस्या को कम किया जा सकता है। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। वीडियो देखने के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।